नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट की हत्या की साजिश रचने के आरोपी को अमेरिका ने किया भारत के हवाले। आपको बता दें, महेश भट्ट की हत्या की कोशिश करने, उगाही, चोरी और अवैध हथियार रखने के आरोप में वांछित एक भारतीय नागरिक को अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। 46 वर्षीय उबैदुल्लाह अब्दुल रशीद रेडियो वाला, जो बॉलीवुड निदेशक महेश भट्ट की हत्या की साजिश रचने और फिल्मकार करीन मोरानी पर गोलियां चलवाने के 2014 के मामले का मुख्य आरोपी है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून अदालत की ओर से रेडियो वाला के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद 2015 में सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि आईसीई की ओर से जारी एक बयान के अनुसार रेडियो वाला हत्या की कोशिश करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, जबरन वसूली, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण, अवैध हथियारों को रखने और उनके इस्तेमाल और एक संगठित अपराध सिंडिकेट बनाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके जानकारी देने जैसे आरोप में भारत में वांछित हैं। बता दें कि रेडियो वाला को अमेरिका में अवैध रूप से रहने के आरोप में न्यू जर्सी के इस्लिन में नेवार्क के परिवर्तन एवं निष्कासन अभियानों यानी कि ERO ने सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया था। बयान में कहा गया कि बाद में एक न्यायाधीश ने उसे भारत भेजने का आदेश सुनाया था। सोमवार को भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने तक रेडियो वाला ERO नेवार्क की हिरासत में था। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।